हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का ये जो चैनल, मेरे चैनल का नाम है स्टडी टाइम, और उसमें मैं आपका क्लास 8 के लिए साइंस जो सब्जेक्ट है उसको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पहेली और बूझो उनके थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, फार्म्स देखने हमें बहुत पसंद हैं, राइट। और ग्रीनरी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है फार्मिंग, मतलब कितना बेनिफिट है इससे ह्यूमैनिटी के लिए। और फार्मर्स जैसे हार्ड वर्कर्स जो होते हैं रियली, उनको हमें बहुत, उनका जो काम है उसे हमें काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इन सब के फार्मिंग के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद में टॉपिक वाइज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, एक क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए फार्मर को कितना कुछ करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सीजन वाइज कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे उसमें ये जो है ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे और सब डिटेल में हम जानेंगे कि कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होता है ये। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, टूल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर सोइंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या चीज़, क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो टेक्निक्स होती है उससे। ट्रेडिशनल जो होता है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, फार्मर्स जो होते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है ये फार्मिंग में ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हुए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ से भी जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इरिगेशन। तो ऐसे टॉपिक वाइज इतने सारे ये टॉपिक्स हैं, हम इनको वन बाय वन सब पढ़ने वाले हैं। सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, राइट। इरिगेशन में भी मॉडर्न है, सभी के ही मॉडर्न वेज हैं और ट्रेडिशनल वेज होते हैं। फिर वीडिंग है, फिर हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में तो फिर फाइनली जब क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं उनको कट करते हैं, तो उसके बारे में फिर उसमें भी हम देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, हाथों से यूज़ किए जाते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं जिसकी मदद से बहुत फास्ट काम हो जाता है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद में स्टोरेज का टॉपिक आता है, स्टोरेज कैसे ग्रेन्स को स्टोर करना होता है, राइट। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि इस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और लास्ट में हम पूरा समराइज भी करेंगे इसको, और जो कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सबको हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई होप चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू लव लर्निंग अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, right? So I'm just looking forward to start the chapter. So bye till then, and let's meet again in the next session.